Hey, what's up? This is Khushboo with another question of trigonometry. This is question number 5, exercise 8.4, page number 194. This is part number 9. The question is, consider the following identities where the angles involved are acutangles for which the expressions are defined. So, cosec A minus sin A, secant A minus cos A is equal to 1 by tan A plus cot A, we have to do. So, सबसे पहले, इसको हमें tan और cot मिला है. Cosec को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए के माइनस साइन ए. सेकंड ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए. सो दिस इज एलएचएस. सो 1 बाय साइन ए इसके बॉन्ड में 1 है, यहाँ बॉन्ड में 1 है. सो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सेम वे यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस ए. सो कॉस ए कॉस ए से डिवाइड होगा मींस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा मींस 1 माइनस कॉस ए को 1 से डिवाइड किया तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो आया कॉस स्क्वायर. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए. बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. अब यहाँ से वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट मींस साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अगर वहां से वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की तो आता साइन स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए. सो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल. तो हमारे पास बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल डू इज हम इसका आर्च सॉल्व करेंगे. सो राइट हैंड साइड सॉल्व करके साइन साइड को दिया गया 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए. अब 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, cot a को लिख सकते हैं cos a by sin a. सो इसका एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर का तो आएगा sin a cos a. sin a cos a को अगर हमने cos a से डिवाइड करा तो cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin a. ये sin a से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा sin स्क्वायर a प्लस sin a cos a को आपने sin a से डिवाइड किया तो आपके पास बचा cos a. ये cos a से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cos स्क्वायर a. तो ये डिनोमिनेटर में फाइव के तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1. तो ये आ गया 1 अपॉन 1 साइन ए कॉस ए. ये ऊपर चला जाएगा वहां पर तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए. दिस इज आंसर. सो एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रही है. एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. हेंस तो समटाइम्स अगर हम लास्ट के वीडियोस देखे हों जिसमें बाकी के सारे पार्ट सॉल्व करे, अगर आपका एक साइड सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा तो दूसरी साइड सॉल्व करके उन दोनों को इक्वल ला सकते हैं. दिस वाज पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 9. एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. गुड बाय.